हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है, लगभग एक दो या तीन दिन ही आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो गाइस, इन लास्ट मिनट में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, आप सबसे पहला काम तो ये करना, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को रिवाइज जरूर कर लेना। आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना। साथ में कुछ ट्रिक्स जरूर देख लेना, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपको याद रहनी ज़रूरी है उन ट्रिक्स को ज़रूर देख लेना। और हो सके तो प्लीज़ 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 कुछ ऐसे फॉर्मूलों को रिवाइज अच्छे से करना, ताकि उन फॉर्मूलों को आप बिल्कुल भी ना भूलो जो फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी आए थे, तो आपको फॉर्मूले पे अपनी पकड़ 100% रखनी है, ताकि आप एक भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को ना छोड़ो। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही जीरो है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस कल उठ के जेईई मेन का एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। तो उन सब के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि आप थोड़ी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्निक मीन्स गेसिंग टेक्निक, तुक्का मार सकते हो। तो तुक्का मारने की क्या मेथड है, तो वो अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप ज़रूर देख लेना। उस लिंक से आपको पता चल जाएगा कि जेईई मेन में तुक्का कैसे मारते हैं। वो वीडियो पूरा देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अगर अभी आप 10 से 15 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, तो उस वीडियो के बाद इजीली 30-40 मार्क्स सिक्योर करने लग जाओगे, और इवन उससे ज़्यादा भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने थोड़ा और दिमाग लगा लिया तो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।